यह है एरोट्रेन। 1965 में फ्रांस में इसे बनाया गया था। एरोट्रेन बेसिकली एक ऐसी कॉन्सेप्ट ट्रेन थी जिसे पावर एक एरोट्रेन के इंजन से मिलती थी, मतलब कि जेट इंजन से। इस ट्रेन को चलाने के लिए एक अलग तरह का ट्रैक बनाया जाता था जिस पर एयर कुशन के माध्यम से फ्रिक्शन को ऑलमोस्ट खत्म करने की कोशिश की गई थी। हालांकि यह एक्सपेरिमेंट एक टोटल फेल रहा क्योंकि न सिर्फ इसे ऑपरेट करना काफी ज्यादा मुश्किल था और इसे चलाने के लिए स्पेशल ट्रैक्स बनाने पड़ते थे जिससे कि पुराने ट्रैक्स पूरी तरीके से यूजलेस हो गए थे। इस तरह के ट्रैक पर ब्रेकिंग भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इस पर रॉकेट इंजन भी लगाया गया था जिससे ये मैक्सिमम 422 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच गई थी। हालांकि कुछ ही सालों बाद इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया गया।